मीना भाई ने मेरी मोस्टली मेरी सारी फिल्मों में गाने गाए काफ़ी में और आसमान से ऊंचा में भी, और उसके बाद मतलब उनका एक सुपर हिट मतलब गाना मेरी फिल्म में है, वो तिरंगा का टाइटल सॉन्ग है, मेरी आन तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, ये जान तिरंगा है, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी आन है, वो मतलब इमोर्टल गाना है मतलब। और हर पल रुक गया था कि मेरा जो मेरा कर्म तू मेरा धर्म तू, हर आज़ादी पे मुझे याद किया जाएगा, वो बातें आज बनी की बनी रह गई है। यस, क्या कहना है डेफिनेट। देखिए हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें चाहे वो सिंगर हो, चाहे राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, वो अगर अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करके जाता है तो उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं। तो मुन्ना भाई एक ऐसे सिंगर थे जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी आवाज़ बरसों तक नहीं, जब तक मतलब सूरज चांद रहेंगे मुन्ना भाई की आवाज़ गूंजती रहेगी और हम जितने लोग होंगे वो सुनते रहेंगे। सर कहने की गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, कहीं खफा थे वो, उन्होंने कैमरे के सामने एक बार रो पड़े थे, बोला कि हमें 100 साल हो गए इंडस्ट्री को, हमें याद नहीं किया जाता आज भी, क्या कहना ये? देखिए मैं मतलब इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट भी है कि जब तक आप हिट हो सब आपके दोस्त है, जिस दिन आपकी फिल्में नहीं चली सारे दोस्त गुल हो जाते हैं। तो मैंने पहले भी कितनी बार मेरे इंटरव्यू में कहा है कि हमारे यहाँ जो दोस्ती है वो फ्राइडे टू फ्राइडे तक की है। अगर ये फ्राइडे आप हिट हैं तो सारे आपके दोस्त हैं, ये फ्राइडे अगले फ्राइडे आपकी फिल्म नहीं चली तो सारे दोस्त गुल हो जाते हैं। कोई होते ही क्लोज फ्रेंड, लेकिन याद भी नहीं किया जाता सर, 100 साल के उसके कोई फंक्शन होता है ये, मतलब ये एक हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हिट फिल्में देने के बावजूद भी, हाँ कितनी भी हिट फिल्में दे दो, और ये मतलब हर एक के साथ होता है, ये हर एक के साथ होता है, ये नहीं कि मतलब मुन्ना भाई के साथ हुआ है या मेरे साथ होगा, हर एक के साथ होता है। मतलब हमसे भी बड़े बड़े मेकर आए, हमसे भी बड़े बड़े डायरेक्टर आए, मुन्ना भाई से भी बड़े बड़े सिंगर आए, लेकिन जब उनका टाइम नहीं होता है तो लोग उसको भूल जाते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। कल मैयत पे कोई नहीं पहुंचा सर, मैं था, मैंने देखा आप थे, कितना बुरा लगा, मेरे को लगा फील हुआ कि इतना मतलब, और मैंने मुन्ना भाई का नहीं, मैंने कितने लोगों की ऐसी डेथ देखी हुई है जो बहुत बड़े नाम होने के बाद भी गिने चुने लोग उस टाइम पे आते हैं, तो ये मतलब बहुत ही मतलब दिल को दुख होता है। और जब हम ये देखते हैं, उधर भी मैंने काफ़ी सिंगर लोग जो मेरे को मिले, मेरी बातें हुई, मैंने उनको यही बोला कि देखिए आज मतलब गिने चुने लोग आए हुए हैं, ये हमारी सबसे बड़ी मतलब एक वीक पॉइंट है हमारी इंडस्ट्री का, जो कितनी बार भी लोग बोलते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। कुछ है?